गुड मॉर्निंग मॉमी एंड फ्राइडल में वेलकम बैक। आज मैं ब्लॉग शुरू किया क्योंकि आज सुदीपा का बर्थडे है, तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे पापा को लेने के लिए। और पापा को लेके हम जाएंगे और फिर मैं आपके साथ पूरा शेयर करूँगा कि आज मैंने क्या क्या प्लान किया, बिकॉज बहुत ज़्यादा प्लान तो नहीं कर पाया, बट आज मंडे है, मैंने छुट्टी ले लिया इसीलिए पहले से, ताकि एकदम सेट रहूँ मैं, कोई टेंशन ना रहे ऑफिस का। तो ऑफिस से आज छुट्टी लिया है, 29th of November सुदीपा का बर्थडे है, तो यहाँ से चलते हैं पापा को लेके, फिर आपके साथ शेयर करूँगा घर जाके कि क्या होता है। तो आ गया हूँ घर पे। आज सुबह का जो खाना खाने का जो प्लान है वो थोड़ा नॉर्मल सा है, क्योंकि हमारे पास अभी सुबह कुछ प्लान नहीं था बाहर जाने का या कुछ करने का। पापा आए हैं, पापा यहाँ पे रेस्ट ले रहे हैं और बाहर देख रहे हैं। पापा को यहाँ पे आके बहुत मज़ा होता है क्योंकि यहाँ से उनको बाहर दिखता है और यहाँ पे बैठे होते हैं, यहाँ पे इसी चेयर में इसी पोजीशन में आप उनको देख पाएंगे ज़्यादातर टाइम, और यहाँ से वो बाहर की तरफ देखते रहेंगे। और वहाँ पे कियारा सो रही है, फ्लरी कहाँ है पता नहीं, हाँ फ्लरी अपने बेड में सो रही है, वो देखो। तो ऐसे ही चल रहा है, अभी खाना वाना सब गर्म हो रहा है, खाना खा लेंगे अभी, खाना खाने के बाद थोड़ा देर रेस्ट लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो आपको भी दिखाएंगे कि आज का जो मैंने स्पेशल एक चीज़ किया है, जो एक ही चीज़ मैंने जो स्पेशल किया है वो आपके साथ आज जरूर शेयर करेंगे, तो देखते रहिए। गुड इवनिंग गाइस। तो दोपहर के बाद सीधा हम चले आए हैं शाम पे, और शाम में क्या हो रहा है आज, ऐसा नहीं है कि मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, आज सुदीपा भी ब्लॉग करेगी, शी इज द मेन अट्रैक्शन फॉर द डे। बट हाँ, उसका आज बर्थडे है तो मैंने सोचा कि मैं आज थोड़ा थोड़ा ब्लॉग करता हूँ। वैसे मैं बहुत फ्रिक्वेंटली ब्लॉग नहीं कर पाता हूँ आजकल, मेरा बंगाली चैनल में भी मैं आजकल बहुत फ्रिक्वेंट नहीं हूँ, वो सब छोड़िए अभी फॉर द टाइमिंग। ये है अभी बर्थडे का सेलिब्रेशन, तो बर्थडे का सेलिब्रेशन में मैंने जो किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास एक्चुअली बहुत कुछ करने का था नहीं, वैसे भी ये सिचुएशन है, तो मैंने एक केक ऑर्डर किया था जो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले बर्थडे जिसका भी हो, मेन अट्रैक्शंस ऑफ मम्मी एंड फ्लरी टेल विल ऑलवेज बी दीज टू। ओके रेडी, दे आर ऑल्सो रेडी इन न्यू क्लोथ्स। मामा नॉट न्यू क्लोथ्स, ओल्ड ओल्ड क्लोथ्स। ठंडा भी है तो इसलिए मैंने भी उन लोगों को थोड़ा सा रेडी कर दिया है। क्या ला रहे हो? एंड आई एम श्योर तुम केक के साथ कैंडल्स नहीं लाए हो। नहीं, कैंडल्स नहीं है। ये तो तुम हर साल करते हो। कैंडल्स नहीं है। तो थोड़ा अनप्लान नहीं होना चाहिए ना। तुम तो बोल रहे हो केक तुम एक महीने से प्लान कर रहे हो। स्टेज्ड होता है। नहीं, बट बर्थडे विदाउट कैंडल्स आई डोंट लाइक इट। जिनको पता है उनको तो पता होगा, और जिनको पता नहीं है उस लिए हम बता देते हैं कि हम लोग मास्टर शेफ के बहुत बड़े फैंस हैं, मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया विच वॉज दी लाइक द ओरिजिनल सीरीज, बट उसके साथ साथ हम मास्टर शेफ इंडिया के भी बहुत बड़े फैंस हैं। हम बहुत दिनों से मास्टर शेफ इंडिया देखते भी थे। तो सीजन 5 के विनर थी कीर्ति वोटिका, आई डोंट नो वेदर आई स्पेल द नेम, आई प्रोनाउंस द नेम करेक्टली और नॉट, बट उन्होंने ये जीता था एंड शी वॉज वेरी यंग व्हेन शी ओन। तो मैंने देखा कि शी इज़ एक्चुअली फ्रॉम, शी हेल्स फ्रॉम कोलकाता एंड शी लिव्स वेरी क्लोज बाई इन सॉल्ट लेक। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार सुदीपा का बर्थडे केक वहाँ से मंगवाया जाए, और मैंने उनको जाके फिर ऑर्डर दिया, थोड़ा डिज़ाइन विज़ाइन देखा और फिर मैंने उसके हिसाब से ऑर्डर दिया। तो ये मैंने लाया हूँ उसके लिए केक, यही एक स्पेशल है, उसके साथ कुछ गिफ्ट भी है वो भी देंगे। बट पहले एक्चुअली हमने पहले ही ले लिया था। हाँ, वो उसको पता था, ये उसको नहीं किया है, तो गिफ्ट्स वैसे है, बट केक सरप्राइज जरूर था और स्पेशली फ्रॉम कीर्ति, ये मुझे पता नहीं था। जब उसने कहा सॉल्ट लेक, मैंने थोड़ा सा गेस कर लिया था, बट ठीक है, फिर भी योर स्किन इज ग्लोइंग बट माय स्किन इज नॉट ग्लोइंग। माय स्किन इज ग्लोइंग बिकॉज़ आई जस्ट गॉट रेडी। ये मेरा, आई एम वेयरिंग दिस न्यू ड्रेस क्योंकि आज बर्थडे है। बर्थडे का एक रिचुअल के अंदर पड़ता है कि नए कपड़े पहनो, तो मैंने ये पहना है। बुम्बा ने दिया है, दिस इज गिफ्टेड बाय बुम्बा। बुम्बा ये ओरिजिनल फ्लावर को ड्राई करके उससे बनाया गया है, लवली वन, मुझे बहुत अच्छा लगा, इस ड्रेस के साथ बहुत मैचिंग भी हो रहा है। तो ये है बुम्बा के तरफ से गिफ्ट, और अभी दीपांजन भी आप लोगों को दिखाएगा कि उसने मुझे क्या गिफ्ट दिया है। TV
ये था कि कल मैंने शाम को एक्चुअली ये केक लेके रखा था, शाम को नहीं दोपहर को 3 बजे एक्चुअली मैंने लेके आया था, बट कल हमने इसको कटिंग नहीं किया क्योंकि हमारे पास एक लौते गेस्ट है पापा, तो उनके सामने ही काटना था, इसलिए हमने कल इसको रात को नहीं काटे। हम वेट कर रहे थे कि पापा आ जाए, उसके बाद आज शाम को काट लेंगे, तो इसलिए अभी इसको काटेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये रेफ्रिजरेटर में रखना थोड़ा मुश्किल था, बहुत बड़ा डब्बा है, तो रेफ्रिजरेटर में नहीं था कल, आज सुबह हमने इसको रेफ्रिजरेटर में डाला था, उसलिए थोड़ा सा हिल गया है, क्योंकि ऊपर वाला सेक्शन जो है वो शायद कैरेमल का है ना। हाँ, वो शायद थोड़ा सा उधर से थोड़ा सा हिल गया है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में रख दीजिएगा, मैंने वो नहीं रखा था, तो थोड़ा सा हिल गया, बट फिर भी ठीक है, इट लुक्स नाइस, इट लुक्स डिफरेंट ना, यू लाइक इट? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. यहाँ पे happy birthday हो रहा है अभी। मामा तुम्हें why are you here? क्या हो रहा है ये? How does it taste? Nice. Rich chocolate? Ankiara बहुत sad हो गई है। तुम चॉकलेट क्यों केक क्यों लाई हो? क्यों? क्यों लाए हो? क्यों? वो नहीं खा सकती ना थोड़ा सा भी। ये लो। अरे ये बाएं हाथ से नहीं पकड़ते। दाएं हाथ से पकड़ो। मैं पकड़ती हूँ कैमरा। ये लो, ये लो, ये लो। ये तुम्हारा गिफ्ट है, ये तुम्हारा गिफ्ट है, पापा का भी गिफ्ट है। अरे कैश वैश मिल रहा है, कैश वैश मिल गया, कैश सबसे बड़ी चीज होती है लाइफ में, पता है ना, सब खाने पीने के लिए कैश ही चाहिए होता है। अच्छा एक बार गिफ्ट दिखाओ। हाँ दिखाओ। मैंने सब कुछ देखा है, मैंने ही चॉइस करके लिया है। हाँ। इसलिए नाटक नहीं करूंगी कि ओ वाओ मुझे कुछ भी पता नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिखाओ, ये हमने कल्याण ज्वेलर्स से लिया है। कल्याण ज्वेलर्स का एक नया स्टोर ओपन हुआ है सॉल्ट लेक में, वहीं से। वाओ, सो दिस इज माय बर्थडे गिफ्ट। दिस इज द फोकस नहीं कर पा रहा है अभी कैमरा तुम्हारा, अभी नहीं फोकस किया। हाँ अभी फोकस किया। अरे सही है, सही है, सही दिख रहा है कैमरा में। आप लोग बताइएगा कैसे लग रहा है। हाँ मैं पहना देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं पहना देता हूँ, एक सेकंड। इसको बहुत दिनों से चाहिए था, इसको क्या बोलते हैं? ये इसको लोहा बाधाना बोलते हैं। ये मैरिड विमेन दे डू वेयर दिस ऑल द टाइम। डिजाइन मुझे बहुत पसंद आया था और मुझे वैसा वाला नहीं चाहिए था जिससे वो अंदर का जो लोहा है वो दिखता है। और ये तुम पिछले साल से बोल रही हो कि हम जितने भी बार सेनको या कहीं पे भी गए हैं गोल्ड ज्वेलरी स्टोर या उसके आसपास से भी घूमते थे, तो ये हमेशा बोलती थी कि कब मिलेगा मुझे, कब मिलेगा मुझे। हाँ। तो मैं बोली दी थी कि मैं जब लूंगी तो पूरा कवर्ड ही लूंगी, वो हाफ कवर्ड नहीं लूंगी। सब ठीक है बाबा? गिफ्ट्स आर गुड, वेरी गुड। आज पापा ने भी एक नया शर्ट पहना है, बहुत अच्छे लग रहे हैं पापा, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा केक वेक खाते हैं, उसके बाद आज बाहर जाने का, मतलब बाहर जाने का प्लान है, बाहर खाने का प्लान नहीं है क्योंकि हमने बहुत कुछ खा रखा है और फ्लरी कैरा को छोड़ के हम आज नहीं जाना चाहते थे। हाँ, मतलब दीपांजन तो बोल रहा था कि चलो कहीं डिनर पे चलते हैं, बट आज का दिन मैं फ्लरी कैरा को छोड़ के नहीं जा, तो हम क्विकली कर लेंगे कल। पेट फ्रेंडली जो भी यहाँ पे है वो हमने देखा था, बट रिव्यूज बहुत बुरा है, इसलिए रिस्क नहीं लिया।
कभी जाएंगे बर्थडे का सेलिब्रेशन, नहीं तो फिर हमको जहाँ जाना पड़ेगा वो पापा के घर के पास हो जाएगा, वो कालिकापुर कालिकापुर का। इसलिए हम लोग सोचे कि आज नहीं जाते बाहर, आज हम खाना घर में लाके खिलाएंगे, बट अभी थोड़ा सा निकलेंगे बच्चों को लेके, पापा को लेके, और बर्थडे डिनर कल या परसों कभी भी कर देंगे, कल कर लेंगे। हम लोग निकले हैं थोड़े से टहलने, लुक एट फ्लरी फ्लारू, बहुत ही ठंडा ठंडा हवा है इसलिए ज़्यादा नहीं रहने दूंगी। यहाँ पे रोड बहुत स्मूथ है तो इसलिए थोड़ा सा विंडो खोल के दीपांजन स्लो ड्राइव कर रहा है। ओ माय गॉड, फ्लरी लव्स डूइंग दिस। मामा ले बाबा ले, क्योंकि दादू के साथ यहाँ पे, पापा भी यहाँ पे, हम लोग थोड़े से टहल के फिर घर चले जाएंगे। घर जाके क्या खाएंगे? घर जाके खाएंगे आज चाइनीज ऑर्डर दिया। चाइनीज मामा, चाइनीज फ्लरी कह रहे का सेम डिनर, सेम चिकन डिनर। अरे बाबा रे, हाँ निकल जाओ बाहर, निकल जाओ, उसको अभी बहना नहीं अंदर। तो ये सबसे अच्छा फीलिंग है, बच्चों को छोड़ के जाते हैं ना कहीं स्पेशली कुछ भी ओकेशन में, नॉर्मली जाती हूँ तो ठीक है, बट कोई स्पेशल ओकेशन हो, किसी का बर्थडे, किसी का एनिवर्सरी, तब इन दोनों को छोड़ के जाने का मन नहीं होता। ये जो कार में थोड़े से घर के ही आसपास थोड़ा घूम रही हूँ, इसी में मजा है कि बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं और हमारे साथ हैं, बट इनको छोड़ के जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ना मामा? ओ मामा, आर यू एंजॉयिंग मामा? कुछ बाबा रे, घोघो इससे, घोघो इससे, घोघो इससे इच्छे हे मामा, ओ मामा जी बाबा ले, पूरा स्ट्रेट बैठी है एकदम। इसको देखना है क्या चल रहा है। ये देखो सब निकल पड़े हैं घर से, हवा चल रहा है ना। नहीं नहीं, वॉक करवा रहे हैं इन दोनों को, ये दोनों मुझे वॉक करवा रहे हैं, खींच रहे हैं एकदम। पापा पापा वहाँ कहीं पे दूर पे जाके खड़े हैं, इतना हवा है कि पापा को ठंड है, इसलिए मुझे भी लग रहा है बहुत ज्यादा। क्या हाँ। बहुत ज्यादा ठंड नहीं है, मतलब थोड़ा सा शिवरिंग हो रहा है, हल्का सा, एंड इट्स नाइस। देखो विंटर थोड़ा सा एंजॉय नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। वो पापा वहाँ पे हैं, वहाँ खड़े हैं, हम लोग भी मास्क उतार सकते हैं, आसपास कोई नहीं है, हम ही हैं वॉक कर रहे हैं, सब सो गए। फ्लरी और क्यूक्यू का आज बोनस था, नीचे इतने सारे फ्रेंड्स मिल गए, जब हम वापस आ रहे थे पूरा वॉक खत्म करके वापस आए थे तब चार फ्रेंड्स मिल गए दोनों को, तो खेल कूद के सब आए हैं। और अभी हमारा डिनर भी आ गया है तो हम लोग कर लेंगे डिनर। एक बार दिखा दूँ आज बर्थडे स्पेशल डिनर का मेन्यू क्या है। तो स्टार्टर है, इसमें है प्रॉन, बटर गार्लिक नहीं, बटर पेपर, और ये है क्या है, ये पैन फ्राइड चिली फिश, इसके साथ प्रॉन हाका नूडल्स और चिकन बटर गार्लिक राइस, और यहाँ पे है कुछ हाँ हॉट गार्लिक चिकन। इसके साथ होगा अभी डिनर, काफी लेट हो गया है तो फटाफट डिनर कर रहे हैं, और बस और एक घंटा है मेरे बर्थडे, उसके बाद फिर से कल का दिन बिल्कुल मेरे लिए वही सिंपल लाइफ, एक साल फिर एज भी बढ़ गया। यार बर्थडे पे खुशी मनाओ या दुखी हो, क्यों दुखी हाँ? क्यों ना, एज बढ़ गया ना एक साल। कल का ही ड्रेस पहनी हूँ तो बिल्कुल भी मत सोचना कि सेम ब्लॉग सेम डे पे कर रही हूँ, एक्चुअली आज नेक्स्ट डे है, और कल का जो पेंडिंग डिनर था वो करने हम जा रहे हैं तीनों, पापा दीपांजन और मैं, हम लोग जा रहे थे चारनॉक्स जो सॉल्ट लेक सेक्टर 3 में है, चारनॉक्स सिटी में। बता दो तुम इतने वायर साउंडिंग सो डाउन, व्हाई एम आई साउंडिंग सो डाउन, आई डोंट नो, इट्स नॉट लाइक आई नो बट आई डोंट वांट टू शेयर, दैट्स इट। सो वो सब छोड़ते हैं, अभी जा रहे हैं हम लोग डिनर करने। और हाँ, कियारा फ्लरी को छोड़ के आने में थोड़ा सा तो वो बुरा लगता है, कियारा थोड़ी सी ज़्यादा टेंस थी ना, थोड़ा ज़्यादा भाग रही थी हम लोगों के पीछे पीछे, बट थोड़ी देर की बात है, घर के पास ही आए हैं, बस खाना खाएंगे और चले जाएंगे। दीपांजन बोल रहे हैं कि वो पहले यहाँ पे गया है बहुत साल पहले, बट दिस इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट टाइम, द रेस्टोरेंट लुक्स प्रिटी इन पिक्चर्स, लेट्स सी हाउ इट लुक्स इन रियलिटी, क्योंकि है ना बहुत ही बड़ा बड़ा ग्लास का विंडो है,
बाहर बिल्कुल विजिबल है, बाहर का सब कुछ देखते हैं कैसा लगता है। अच्छा तो वहाँ से सॉल्ट लेक स्टेडियम दिखता है। दीपाजन बोल रहे हैं कि वहाँ का फूड भी बहुत टेस्टी है, मतलब जब वो गया था तब बहुत टेस्टी था, बहुत साल पहले गया था। तो देखते हैं अब जाके आज क्या एक्सपीरियंस होता है। जिसमें शायद मटन रन को दिया जाएगा फुल रन, और उसके साथ चिकन लॉलीपॉप। एंड ड्रिंक्स में आई एम गेटिंग ब्लडी मैरी, दीपांजन गेटिंग वर्जिन मोहितो, एंड डैड इज गेटिंग लाइम सोडा, फ्रेश लाइम सोडा। बट डैड वाज सपोज टू गेट जिन, नो जिन? हां नो नो, पापा का भी जिन विन मत पिला। अभी हम लोग 9th फ्लोर में हैं। तुम किस तरफ देख रहे हो? कैमरा इधर है, इधर। मैं तुम्हारी तरफ देख रही हूं। मेरी तरफ मत देखो, कैमरा की तरफ देखो। पापा की जिंदगी में कभी अल्कोहल टेस्ट भी नहीं किया है, ऐसा पापा बोलते हैं। वैसे सच्चाई तो पापा के दोस्तों से बात करने से पता चलेगा, बट हाँ पापा का कोई भी नशा नहीं है, कोई भी एडिक्शन नहीं है लाइफ में, टेस्ट भी नहीं। बट अभी अभी एक नशा हो गया है। क्या? मोबाइल फोन में वीडियो, यूट्यूब। तो यही है रेस्टोरेंट, और वहाँ का व्यू बहुत सुंदर है। पीछे है और रेस्टोरेंट काफ़ी खाली है, हम हैं और बस एक गेस्ट है और कोई नहीं है, तो वीकडे में कौन आएगा, है ना? नहीं, यहाँ पे एक्चुअली वीकडे में आते हैं जब ऑफिस जब खुला रहता है ना, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं। लुक सो यमी, दिस इज दैट रन ए चारनॉक्स, लुक्स वेरी यमी। How does it taste? Nice. Very nice. Tender, juicy. Kemon baba? Bhalo gate? But I did not expect it to be spicy like this. It's not spicy. I expected it to be a bit blunt. Spicy insan ke birthday treat spicy hota hai. Theek hai? नहीं, रान हम पहले भी कहीं पे खाते थे ना, साउथ सिटी में पहले मिलता था, वहाँ पे ऐसा नहीं था। वो बहुत अच्छा मिलता। कैसा था इंप्रेशन बोलो? न्यूट्रल, न्यूट्रल, ऐसा नहीं, रेडिश रेडिश नहीं, वो वाला मैं सोच रहा था, दैट वाज इट।